बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अभय समान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, आपके परिंदे जानवर सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने चूज़ों के लिए ICU बना दिया है। ICU मतलब कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे। आज सुबह जब मैं शेड पे गया अपने सेटअप पे, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ चूज़े मरे पड़े हुए थे और कुछ चूज़े ऐसे थे जिनका बहुत बुरा हाल था। वजह क्या बनी, एक्चुअली होता ही है कि जब आप चूज़े लेके आते हैं तो कुछ चूज़े उनमें से कम वज़न वाले होते हैं, कुछ चूज़े थोड़े वीक होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब चूज़े इकट्ठे होकर बैठते हैं तो वो चूज़ों के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सर्दी कम लगे और वो मतलब एक समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी माँ है ये। तो वो जब नीचे घुसते हैं तो कुछ चूज़े नीचे जब गिरते हैं तो जो हेल्दी चूज़े होते हैं वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उन पर वज़न आता है और वो जो है ऐसा ऐसा मतलब फारिग हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब मैं पहुंचा तो कुछ चूज़े मर गए हुए थे और जो कुछ चूज़े थे वो अभी मतलब थोड़े स्टेबल थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बना दी जाए, एक मतलब घर में कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे मैं जो वीक और बीमार चूज़े हैं उनको उठा के घर ले आऊं ताकि उनको एक ऐसा मतलब माहौल दिया जाए जिनमें 24 घंटे उनकी निगरानी हो, 24 घंटे उनको मैं ऑब्जर्वेशन में रखूँ, उनके खाने पीने का ख्याल रखूं, उनको मतलब जब वो सारे चूज़े एक कैटेगरी के एक जगह पे होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, उनको कोई मारने वाला नहीं होगा, कोई उन पर जुल्म करने वाला नहीं होगा, तो वो उम्मीद है कि बच जाएंगे। तो मैंने इसी सोच के साथ एक ICU बना दिया अपने घर में, एक छोटा सा कह लें कि गत्ते वाला कार्टन लेके उसमें उनको एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की है कि जिसमें वो रिलैक्स रह सकें। तो चले पहले शेड पे जाके उन बीमार चूज़ों को पिक करते हैं और फिर उनको ICU में छोड़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैं पहुँच चुका हूँ शेड पे। अब यहाँ से हम जो वीकर चूज़े हैं, जो बहुत कमज़ोर चूज़े हैं और जो थोड़े बहुत ढीले हैं, बीमार हैं, उनको पिक करेंगे और उन्हें शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे जो ICU बनाया मैंने, और ताकि उनकी वहाँ पे ज़्यादा केयर हो सके, उनको मैं प्रॉपर और पूरा टाइम दे सकूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो चूज़े हैं, ये देखें मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब वो कमज़ोर चूज़े के ऊपर चढ़ते हैं 3-4 चूज़े और वो ऊपर बैठ जाते हैं मतलब एक गर्म उसको फ्लोर समझ के, तो तब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तब उसके बाद वो चूज़ा जो है वो बैठा ही रह जाता है, वो उठ नहीं सकता, और फिर जब और चूज़े चढ़ते हैं उसके ऊपर तो इवेंचुअली वो वैसे ही जाता रहता है। तो चले हम पिक करते हैं जो बीमार और कमज़ोर चूज़े हैं। जी व्यूअर्स, जी तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल लग के और जुड़ के खड़े हैं, और जो इनके नीचे आ जाता है वो तो बेचारा जाता रहता है। तो ये एक बॉक्स लेके आया हूँ मैं, इसमें हम उन्हें रखेंगे और लेके जाएंगे। तो चले इन्हें मोड़ते हैं। ये देखें, ये बेचारा नीचे फंसा हुआ है और हालत देखें इसकी, मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा है। इससे इसको हम रखेंगे यहाँ पे और लेट्स पिक अप द नेक्स्ट वन। ये देखें जी, ये कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर, एक ये है, इसको भी पकड़ते हैं। आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाऊंगा कि जो चूज़े डेड हुए हैं, जो मर गए हैं, ये देखें दोनों ही बहुत बुरे हालात में हैं। और देखते हैं, ओ एक सामने नज़र आया मुझे, इसको भी पिक करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये भी बेचारा बस बुरे हालात में ही है, इसको भी हम रखते हैं वहाँ पे। चलो और देखते हैं, और तो तकरीबन ठीक ही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये बेसिकली चूज़े हैं जो मर गए थे ऐसे ही बेचारे नीचे आने के चक्कर में ही, थोड़े वीक थे
अपने आप को संभाल नहीं सके, जैसे ही उन पर वजन आता है नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद उठा नहीं जाता इनसे और बेचारे डेड हो जाते हैं। इनको भी मैं अब कहीं ठिकाने लगाता हूँ। ये देखें जी, वो दोबारा फिर इकट्ठे होने लग गए हैं। टेम्परेचर पूरा है, इवन मुझे पसीना आया हुआ है यहाँ पे। ये कोयलों वाली भट्टी मैंने अभी बंद की है, थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है इसमें से आग, और ये फिर भी इनको पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। दो से तीन दफ़ा मैं टेम्परेचर चेक भी किया है दिन को। वो देखें जी, एक वो भी है, वो सामने गिरा पड़ा है। ये देखें, अब वो उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं जा रहा, और जब वो ऊपर से दूसरे गुजरते हैं तो हालात बेचारे के बहुत ही बुरे हो जाते हैं। ये देखें, वो उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा, ये देखें आप लोग कैसे मार रहे हैं। इसको भी पकड़ लिया, देखिए चल हुई, एक निकल गया यहाँ से। चलो लगता है उसमें थोड़ा बहुत था, चलो उसे नेक्स्ट में लेके जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे कोई। ये देखें जी, ये बेचारे कैसे बस गिरे पड़े हुए हैं, इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। देखें, बस छोटे चूजे का यही मसला है, पालने में सिर्फ यही मुश्किलें आती हैं आपको। बाकी ज़रा अभी बेहतर कंडीशन में है, थोड़ी देर बाद फिर मैं चेक करूँगा, अगर कोई हुआ तो उसे भी लेके जाऊँगा, फिलहाल इन्हें लेके चलते हैं। जी व्यूवर्स, तो चूज़ों को मैं ले आया हूँ, ये देखें, और ये इनका मैंने सेट किया थोड़ा सा, आप ICU कह लें या थोड़ा सा कहने के मैं केयर के लिए एक जगह बनाई है इनकी, ताकि ये जो हैं सुकून से रह सकें और इनको मतलब दूसरे चूज़े तंग ना करें, मारे ना। जैसे मैंने अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि कैसे वो उनके ऊपर चढ़ते हैं और चोंच से मारते हैं अपनी। तो ये देखें जी, मैंने नीचे एक ऑप्टिमम अमाउंट में नीचे जो है वो भूसा डाला है, और उसके बाद ये पानी की बॉटल्स रखी हैं, इनमें गर्म पानी रखा है थोड़ा सा मैंने। इसकी वजह ये है कि चूज़े इसके साथ लग के बैठेंगे और उनको थोड़ी फील आएगी जैसे वो माँ के साथ हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे मैं इनके लिए पानी रखूँगा, पानी का कैन, वो भी मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। और ये नीचे रखने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे से ये जो तूड़ी है या भूसा है जो वो गीला नहीं होगा। और यहाँ पर मैं इनके खाने के लिए रखूँगा, और अब वन बाय वन इनको छोड़ते हैं चूज़ों को। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये देखें, उसके बाद सेकंड वन, ये देखें जी, इन बेचारों की हालत बहुत पतली थी। ये देखें, इसको रखते हैं, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, एक्टिव है लेकिन इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, शायद वो दबाव पड़ा रहा है एक साइड पर, अब इसकी टांग पे वज़न नहीं पड़ रहा। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे इसके साथ, ताकि थोड़ा सहारा लेके खड़ा हो सके। और फोर्थ वन जो है वो भी गुजारे लायक है, बस थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा है। अब इनको मैं विटामिन्स वाला पानी दूंगा, ताकि ये देखें इसे अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसको क्या तरीकाकार इसका किया जाए, इसकी टांग पे वज़न पड़ने लग जाए। ये देखें, ये गिर जाता है फ़ौरन, हालांकि एक्टिव है लेकिन फ़ौरन गिर जाता है। ये देखें, अब इनको मैं विटामिन्स और इम्यूनोटोन वाला पानी दूंगा, इनसे एक तो ये है कि इनका जो स्ट्रेस है, जो परेशानी में ये आए हुए हैं, वो ख़त्म होगी। दूसरा ये कि जो इनकी इम्यूनिटी का लेवल है वो बूस्टअप होगा, थोड़ी ताकत आएगी, जिसमें में जान आएगी इनकी। फिर मैं इनको फीड भी दूंगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि ये बचे हैं या नहीं बचे, या इनकी मैं केयर कैसे कर सकूं, और जो इनकी अगली कंडीशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिंदों और जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।